चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूक्लियर फिजिक्स। कई जगह बेटा इस चैप्टर का नाम आपने मॉडर्न फिजिक्स टू भी देखा होगा। मॉडर्न फिजिक्स वन के अंदर एटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और मॉडर्न फिजिक्स टू के अंदर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपनी शीट के अंदर इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स लिखा आएगा, बाकी कहीं कहीं आप कोई और शीट देखो तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स टू भी लिखा आता है। ठीक है, आगे चलते हैं बड़ा। इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्या न्यूक्लियस है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे कारण क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में अगर कन्वर्ट होता है तो किस तरह की एनर्जीज निकलती हैं, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, न्यूक्लियस को मैं एक बार वापस से हल्का सा डिफाइन कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि हमारे एटम को अगर देखें तो उसका जो सेंटर है, जिसके पास लगभग लगभग एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज है, वो जो सेंटर है दैट सेंटर इज नोन एज अवर न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमते रहते हैं। एटम का जो रेडियस है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, ये लगभग लगभग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है और न्यूक्लियस जो है उसके सामने बहुत छोटा है। समथिंग लाइक कि क्रिकेट फील्ड के अंदर बीचों बीच बॉल रख दो, तो क्रिकेट फील्ड आपका एटम हो गया और एक तरह से आपका जो न्यूक्लियस है वो एक तरह से बॉल हो गया। इतना छोटा हमारा न्यूक्लियस है एटम के सामने। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी होगा। व्हेन आई से फर्मी आई मीन्स 10^-15 मीटर। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस जो है इट इज सेंटर ऑफ एटम हैव ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड हैव प्रैक्टिकली ऑल द मास ऑफ एटम। सर प्रैक्टिकली क्यों लिखा बड़ा? प्रैक्टिकली इसलिए लिखा क्योंकि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो न्यूक्लियस के मास के सामने काफ़ी छोटा रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम का प्रैक्टिकली सारा का सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के पास है। हल्का फुल्का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी है और वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। फेयर इनफ। जैसा कि बेटा मैं आपको बता चुका था पहले कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, आई होप यू रिमेंबर, बाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई रियली होप कि आपको याद होगा कि क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड सर ने 1911 के अंदर ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और इसे कंक्लूड किया था कि एटम का प्रैक्टिकली सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में पड़ा रहता है और उसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। इट्स ओके। न्यूक्लियस के अंदर मेनली दो चीजें होंगी। न्यूक्लियस विल हैव न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस विल हैव प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में बड़ा मेनली दो चीजें होंगी, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे एंड न्यूट्रॉन्स आर सिंपली न्यूट्रल एंटिटीज जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स जो है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। हाँ मास जरूर है, एक अकेले न्यूट्रॉन के पास बड़ा मास जो है वो 1.6749 × 10^-27 kg के आसपास है। ये लगभग लगभग एक एटॉमिक मास यूनिट के आसपास होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट आप बेटा आपने शायद हल्का फुल्का केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, वही है, मैं भी लिख दूंगा, बट एक एटॉमिक मास यूनिट लगभग लगभग 1.67 × 10^-27 kg के आसपास रहता है। न्यूट्रॉन जो है
वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मास उसका एक AMU है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। N जो है वो तो न्यूट्रॉन का साइन हो गया। जो नीचे जीरो लिखा है वो बताता है चार्ज, वो बताता है चार्ज। नीचे जो आप चार्ज लिखते हो उसकी यूनिट जो होती है वो E होती है, मतलब इसका चार्ज जो है वो जीरो टाइम्स E है। क्या है? जीरो टाइम्स E। इसी तरह से ये जो हमने ऊपर लिखा है ये बताता है अक्सर आपका मास, और इसकी यूनिट जो है वो केजी नहीं है बेटा, इसकी यूनिट AMU है। इसका मतलब ऊपर वन लिखा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो मास है वो एक AMU के आसपास है, एक AMU के आसपास। ये बेटा आपके न्यूट्रॉन की कहानी रही। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस ही लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लगाएगा। बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन वैसे वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एज वेल एज गोल्डस्टीन। आप इसकी डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों को ही आप मतलब कंट्रीब्यूशन मान सकते हो, दोनों की कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हो। प्रोटॉन जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका चार्ज बड़ा पॉजिटिव होगा और इसका जो चार्ज होगा बड़ा वो प्लस ई होगा। प्लस ई मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन जो है उसका मास बड़ा 1.6726 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 27 kg है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मोर और लेस सेम ही है, कोई ऐसी रिएक्शन ना हो जिसमें बड़ा मासेस के हल्के फुल्के वेरिएशन का भी फर्क पड़ता हो, तो उनके अलावा हम अगर देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हम बराबर मान सकते हैं। आप फिर से कह सकते हो कि इसका जो मास है वो रफली एक AMU के आसपास है, बड़ा रफली, ठीक है, रफली एक AMU के आसपास है, ठीक है। हाँ, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? प्रोटॉन का हम रिप्रेजेंट करेंगे 1p1। एच नहीं बेटा, एच हाइड्रोजन के लिए होता है। हाइड्रोजन में और प्रोटॉन में अंतर समझाऊंगा। 1p1। सर पी तो समझ गए प्रोटॉन के लिए, सर जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या? 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि नीचे बताएगा आपका चार्ज, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है ये बताएगा आपको चार्ज। सर 1 चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है क्या? नहीं नहीं, जो चार्ज है उसकी यूनिट ई होगी। इसका मतलब इसका चार्ज होगा 1 टाइम्स ई, 1 टाइम्स ई, यू नो इट वेरी वेल, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। ऊपर जो 1 है वो क्या बताएगा? मास। तो सर प्रोटॉन का मास 1 kg है क्या? नहीं बेटा, पहले बताया आपको कि ऊपर जो 1 लिखा हुआ है वो मास बताएगा, लेकिन मास की यूनिट यहाँ पर kg नहीं है, AMU है। ये बता रहा है कि जो मास है वो रफली एक AMU के आसपास है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, मैं एक बात तो बताऊं, जैसे आप थोड़ा बहुत ये बेटा ये मास और चार्ज वाली बात से हल्के फुल्के यूज्ड टू हो जाओ, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बताना, इलेक्ट्रॉन इज -1e0, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ई तो क्या हो गया? साइन। ये -1 क्या बता रहा है? चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1 times e। ई मतलब बेटा मैंने बताया ना, इसका नीचे वाले की यूनिट क्या होगी? ई। ई मतलब 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, ये इसका चार्ज होगा। सर ये ऊपर जीरो क्या लिखा है? जीरो लिखा हुआ है मास। जीरो क्या लिखा है? मास। सर इलेक्ट्रॉन का मास जीरो होता है क्या? नहीं, जीरो तो नहीं होता, लेकिन इसकी यूनिट AMU होती है। अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग 1/1800 ऑफ AMU आएगा। एक AMU का लगभग 1/1800 या बड़ा 1/1900 के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास आता है।
तो ये लगभग अब इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा या वन होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो ऑफ कोर्स जीरो के आसपास ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन का मास जीरो है, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं AMU की यूनिट में अगर लिखता हूँ तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है। मुझे ऊपर इंटीजर लिखना है तो जीरो लिखें या वन लिखें? तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स जीरो लिख सकते हैं। इसी तरह से मुझे अगर पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, बड़ा सिखा चुका हूँ। पॉजिट्रॉन को आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका चार्ज प्लस वन और मास जीरो। सर इसका चार्ज प्लस वन है, इस बात का मतलब क्या है? बड़ा इसका मतलब ये है कि इसका चार्ज है प्लस वन टाइम्स क्या गुलाम क्या, नहीं नहीं नीचे वाले की यूनिट आएगी इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम। सर ये मास जीरो क्यों दे रखा है? बेटा मास जीरो दे रखा है जीरो AMU, क्या दे रखा है जीरो AMU। एग्जैक्ट मास तो हम जानते हैं कि पॉजिट्रॉन का वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो अगर एग्जैक्ट मास की अगर बात करें तो बेटा वो तो 9.1 × 10⁻³¹ kg है। लेकिन अगर AMU निकालने की कोशिश करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, बेटा एक AMU लगभग लगभग 1.66 × 10⁻²⁻²⁷ होता है, तो इतने AMU होगा आपका। अगर आप इसको निकालोगे तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, तो आप कह सकते हो कि सर ये जीरो AMU है। ठीक है, तो ये नीचे चार्ज है ऊपर मास है, नीचे जो चार्ज है उसकी यूनिट E है और ऊपर जो मास है बेटा उसकी यूनिट आपकी AMU है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा लेकिन मुझे लगा मैं भी बता देता हूँ, है ना, मेरे को भी आता ही। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये तो बात हुई कि आखिर हमारा जो न्यूक्लियस है वो किन किन से बना हुआ है। मैं दो टर्म्स और बता रहा हूँ, दो टर्म्स और बता रहा हूँ क्योंकि शीट में HCV में बहुत सारे टर्म्स आएंगे तो कम से कम आपको टर्म्स का आइडिया तो होना ही चाहिए। जैसे एक टर्म न्यूक्लियाई कहीं ना कहीं देखोगे तो न्यूक्लियाई इज जस्ट प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस हो, तीन न्यूक्लियस हो, चार न्यूक्लियस हो तो आप उनको न्यूक्लियाई कह सकते हो, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस एक साथ हो तो न्यूक्लियाई शब्द जो है इट इज जस्ट प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। इसी तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलाकर भी एक नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स। बेटा क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। नाम दे देंगे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के दो पार्ट है, प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन अलग, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन ऑफ कोर्स न्यूट्रल। चलिए बच्चा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सुनिए बेटा। हाँ बेटा, न्यूक्लियस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सुनिएगा। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस को बेटा हम अक्सर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उस न्यूक्लियस का साइन, नीचे जेड ऊपर ए। कई बुक्स में बड़ा ऐसे में लिखा रहता है ये न्यूक्लियस का साइन, यहां जेड और यहां ए, वो एक ही बात है। ये जेड क्या है, ए क्या है, देखते हैं। एक्स जो है ये तो बड़ा ऑफ कोर्स इट इज सिंबल ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कार्बन है तो सी लिख दो, नाइट्रोजन है तो एन लिख दो, ऐसे। Z is basically number of protons. Z हमें बताएगा बट हमें number of protons, या फिर एक नाम और है that is atomic number. Z is basically number of protons. अगर मैं एटम की बात करूं
ये तो मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि इफ एटम इज न्यूट्रल तो हम कह सकते हैं कि जेड इज ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम कह सकते हैं। तो जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर वही बेटा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए जो है इट इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं। बेटा इसको हम मास नंबर भी कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का अर्थ क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का अर्थ हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़कर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर मास नंबर कह सकते हैं। इसका मास नंबर नाम क्यों पड़ा उसको भी हम ढंग से देखते हैं। पहले एक बार इतना समझ लो कि जितना मैंने लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि N714 इसका अर्थ क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस है किसका, नाइट्रोजन का। ये जो कैपिटल N है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। नीचे जो 7 लिखा हुआ है इट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कि कुल मिला के 7 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस की अगर बात करूं तो चलो बाद में आएंगे। 14 क्या है? 14 इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑब्वियसली मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पहले से 7 हैं, तो 7 माइनस किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास कितने आ गए? 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बेटा मेरे पास कितने हैं? 7। 7 प्रोटॉन है, 7 ही बेटा आपके न्यूट्रॉन है। फिर ना अगली बात, अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं और कोई मुझसे पूछ ले कि इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि जो 7 न्यूट्रॉन है इनके पास तो कोई चार्ज नहीं है, जो 7 प्रोटॉन है उनके पास ऑफ कोर्स चार्ज है 7 टाइम्स ई। हर प्रोटॉन के पास चार्ज है प्लस ई। ई ऑफ कोर्स मीन्स 1.6 × 10⁻¹⁹ तो न्यूक्लियस के पास चार्ज है 7 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। मैं नाइट्रोजन का जो एटम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के एटम के पास तो नेट चार्ज 0 होगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हम भी तो होंगे, तो 7 प्रोटॉन्स का जितना पॉजिटिव चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन का उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो कुल मिलाकर नेट चार्ज आपका 0 आ जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस का कोई चार्ज पूछे तो आप कह सकते हो कि 7 टाइम्स ई है, 7 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस का मास कितना है, तो रफली आप कह सकते हो, रफली ऐसे कोई बहुत ऐसे एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट तो बट हमें ऑफकोर्स गूगल पे चेक करना पड़ेगा या केमिस्ट्री की बुक के आखिर में भी काफ़ी ऐसी सारी वैल्यूज दे रखी होती है, बट हम एक रफ सा आइडिया लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर 14 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और हर न्यूक्लियॉन का मास लगभग 1 AMU के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मास मोर और लेस 14 AMU के आसपास आना चाहिए, जिसमें से 7 AMU मास जो है वो प्रोटॉन का होगा और 7 AMU मास बेटा किसका होगा? न्यूट्रॉन का। एग्जैक्ट तो मैंने कहा ना बेटा गूगल पे चेक करना पड़ेगा या फिर केमिस्ट्री की बुक के पीछे ये सारे के सारे मासेस वगैरह दे रखे होते हैं तो वहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो आप मास के लिए कह सकते हो कि रफली जो मास है वो 14 AMU है। इसी कारण से ये जो 14 हमने लिखा है या फिर ये जो हमने ए लिखा है इसका नाम हमने मास नंबर निकाल रखा है, क्योंकि एक तरह से मास बता रहा है, मास का नंबर बता रहा है किसके अंदर? एएमयू के अंदर। तो ये मास जो है ये 14 AMU ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे बड़ा मान लो कि आर्गन का एक आइसोटोप है 1814, इसके बारे में बातें करते हैं।
सबसे पहले ये जो ए आर लिखा हुआ है ये तो साइन है, किसका है बेटा? आर्गन का है। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ऑफ कोर्स 18 होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 40, इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो गए 18 और बाकी बचे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 22। आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि अगर मुझे कहीं भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हुए तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ऑफ कोर्स ए माइनस जेड, ऐसे लिख सकते। आर्गन के न्यूक्लियस की बात करें तो आर्गन के न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर जो 22 न्यूट्रॉन है ना उनके पास तो कोई चार्ज नहीं है, 18 प्रोटॉन्स के पास जरूर चार्ज है और हम जानते हैं कि हर प्रोटॉन के पास चार्ज है प्लस ई, तो 18 प्रोटॉन्स के पास चार्ज होगा ऑफ कोर्स 18 टाइम्स ई, दैट इज 18 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम। कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस आर्गन के न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो मैं मास का एक रफ आइडिया दे सकता हूं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पा रहा लेकिन एक रफ आइडिया दे सकता हूं कि हर प्रोटॉन का मास है 1 AMU, तो जो प्रोटॉन्स हैं उनका मास तो होगा 18 AMU और 22 न्यूट्रॉन हैं उनका मास हो गया 22 AMU, दोनों को जोड़ूंगा तो ऑफकोर्स दैट इज 40 AMU। तो ये जो ऊपर 40 लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका मास बता रहा है किसमें, AMU में। मैं फिर से बोल दूं आर्गन का मास एग्जैक्टली 40 हो ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो आपका 40 होगा, नियरेस्ट इंटीजर जो है वो आपका बेटा 40। आई होप बेटा ये वाली बात तो समझ में आएगी होगी, आगे चलते हैं। अब अलग अलग न्यूक्लियस जो होते हैं बेटा उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे या फिर तो उनको चलिए एक एक करके देखते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियस के, सुनिएगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। सर ये न्यूक्लियाई शब्द क्यों यूज कर लिया, पर बहुत सारे न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, बहुत सारे न्यूक्लियस को आप न्यूक्लियाई कह सकते हैं। सबसे पहले आइसोटॉप्स, हो सकता है बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पहले से लिख रखा हो, अगर लिख रखा है तो आप ना भी लिखें अभी चलेगा। हाँ, किसी भी दो न्यूक्लियस को या तीन न्यूक्लियस को आप एक दूसरे का आइसोटोप तब कहोगे इफ न्यूक्लियाई हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर अगर किसी दो न्यूक्लियाई का अगर सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। जैसे 6C12, 6C13 एंड 6C14, तीनों का जेड सेम है। ये जो जेड है यही डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी और तीनों के केमिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम है, इसलिए इसको भी कार्बन बोल रखा है, इसको भी कार्बन और इसको भी कार्बन, भले ही इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या अलग अलग हो। जैसे ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप है, इसके पास अगर मैं कहूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इसके पास मैं कहूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो आप बोलोगे सर इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 12,
इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 13 और इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 14। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप बोलोगे सर इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑफकोर्स दिस माइनस दिस। इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 6, इसके पास है 7 और इसके पास है 8। इट मीन्स दैट इन सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इस तरह के जो आपके न्यूक्लियस होंगे ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, तीनों ही कार्बन हैं। ये कौन डिसाइड कर रहा है? Z की वैल्यू। Z की वैल्यू सेम है, इट मीन्स दैट ऑल ऑफ देम विल हैव नियरली द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और इस कारण से हम बेटा इनको सबको कार्बन कह सकते हैं। हाँ, इनके आइसोटॉप्स जो हैं एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस अलग अलग हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शंस इन सबकी मोर और लेस सेम सी होती है। दीज आर अवर आइसोटॉप्स। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। दो न्यूक्लियस अगर सेम नंबर ऑफ ए रखे, मास नंबर अगर सेम रखे, तो हम उनको आइसोबार्स कहेंगे। बेटा लिखना, इफ न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर बट different atomic number, then they are said to be isobars of each other. तो बड़ा फिर एक दूसरे के isobars। जैसे बड़ा मैं example लूं, chlorine 17, 14, argon 18, 14 and potassium 1940। सबके जेड बेटा अलग अलग है, सबके जेड अलग अलग, सबके जेड अगर अलग अलग हैं तो ऑफकोर्स ये अलग अलग केमिकल्स हैं। पोटेशियम बेटा, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं है, आर्गन है बेटा, आर्गन क्लोरीन सल्फर इस तरह से। अगर जेड सबका सेम होता तो ऑफकोर्स सबके सब केमिकल्स भी सेम होते हैं, लेकिन ये तो अलग अलग है। लेकिन आप नोटिस किया सबके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, मास नंबर सेम है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं? ये सारे के सारे एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। जैसे मैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 16, इसके पास 17, इसके पास 18, इसके पास 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं, इसका मतलब ये अलग अलग केमिकल्स हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के क्या हाल हैं, तो आप कहोगे सर ये जो आइसोबार्स हैं इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो बराबर होंगे, तो दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 40। और मैं आपसे पूछूं कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के क्या हाल हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सर अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ऑफकोर्स दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस किया तो दिस कम्स आउट बी 24, दिस कम्स आउट बी 23, दिस कम्स आउट बी 22 एंड दिस कम्स आउट 21। जैसे इन दोनों कंपेयर करूं, इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इसके पास एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, लेकिन दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो सेम है, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया कि ये एक दूसरे के आइसोबार्स। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी अलग अलग। आगे चलिए बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हम उनको बोलेंगे जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो। थर्ड आइसोटोन्स, दो न्यूक्लियाई जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो उनको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के आइसोटोन्स। एक लाइन लिखो बेटा, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर न्यूट्रॉन्स की संख्या किससे पता लगती है? ए से पता लगती है, जेड से पता लगती है?
अरे बेटा याद होगा न्यूट्रॉन्स की संख्या पता लगती है ए माइनस जेड से, हैविंग सेम नंबर ऑफ ए माइनस जेड, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, ये बेटा सारे के सारे एक दूसरे के आइसोटोन्स। जैसे एग्जांपल लूं तो 6C12, 7N13 एंड 8O14, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के आइसोटोन्स। सुनिए बेटा कैसे, ना तो तीनों का Z सेम है ना तीनों का A सेम है। जैसे अगर मैं Z की बात करूं तो इसका Z है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है। ऑफ कोर्स तीनों के पास अगर Z की वैल्यू अलग अलग है तो ये अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ, पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की अगर बात करूँ तो इसके पास 12 है, इसके पास 13 है, इसके पास 14 है। लेकिन मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे बालक जानते कि ए माइनस जेड से आता है। बड़ा माइनस करना 6, माइनस करना 6, माइनस करना 6। तीनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है और तीनों के पास अगर न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसोटोन्स। समझ में तो आए क्या होगा, बहुत ही आसान सा मामला था बेटा। नेक्स्ट इज फोर्थ, नेक्स्ट इज आइसोडाइफर्स। कोई भी दो न्यूक्लियस एक दूसरे के आइसोडाइफर तब होंगे जब उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। तो बेटा लिख सकते हो न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आर आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर। ये सब एक दूसरे के आइसोडाइफर्स। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बड़ा किससे पता लगता है, ए माइनस जेड से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे पता लगता है, जेड से। इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का ए माइनस टू जेड जो है वो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, ए माइनस टू जेड बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम 92238 एंड थोरियम 90234। देखना बेटा, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास तो 92 है, इसके पास 90 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग, तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगे। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो आप बोलोगे सर इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 238, इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 234। मैं आपसे पूछूं सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगते हैं ए माइनस जेड से। बड़ा माइनस करना, दिस इज 6, 146 आ गया, 146, इसमें से इसको माइनस करना, बड़ा ये कितना आ गया, 144।
अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दिस माइनस दिस करना, बड़ा 6 में से 2 गया कितना चढ़ा 4, 14 में से 9 गया कितना बचा 54, इसमें से इसको माइनस करना बड़ा, 4 में से 0 गया बड़ा कितना बचा 4, 14 में से 9 गया कितना बचा 54, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों का एग्जैक्टली सेम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के आइसो डाइवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के आइसो डाइवर्स। आई होप इट्स ओके, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। हल्का फुल्का बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस की जो साइज है वो लगभग लगभग फर्मी के ऑर्डर में होती है, लेकिन जितना भारी न्यूक्लियस होगा उसकी साइज ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और जो हल्के न्यूक्लियस होंगे उनका रेडियस ऑफ कोर्स कम होगा, तो हम और बेटर तरीके से साइज को पढ़ सकते हैं, बेटर फॉर्मूला भी देख सकते हैं। एक बात सुनिएगा, मैं इस बात को प्रूव नहीं कर सकता बेटा, बट इट इज फाउंड दैट कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी सेम रही, न्यूक्लियस हैज सेम डेंसिटी, चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे वो यूरेनियम का हो, चाहे थोरियम का हो, सबकी डेंसिटी मोर और लेस सेम रही। अगर डेंसिटी सेम रही तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है जिसे हम बड़ा स्फेरिकल मान सकते हैं और उसका रेडियस हम एक बार के लिए लेट्स से आर लिख सकते हैं, अगर डेंसिटी सेम है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम जानते हैं कि मास जो है वो एटॉमिक मास नंबर, जो हमारा मास नंबर था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास नंबर ऑफ कोर्स हमारा एटम का मास उतना ही ज्यादा, अरे बेटा ये ए जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जितने ज्यादा होंगे मास उतना ही ज्यादा होगा, ये हम जान ही चुके हैं। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इससे मैं कह सकता हूं कि 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इससे हम कह सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, तो जो रेडियस है बड़ा वो ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज समथिंग लाइक आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये आर नॉट बड़ा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 × 10⁻⁵ मीटर या 1.2 फर्मी दे रखी होती है अक्सर, इसकी बड़ा वैल्यू कई कई जगह 1.1 × 10⁻⁵ मीटर भी लिखी रहती है, ये वैल्यू बड़ा ऐसे कोई बहुत ही सब्जेक्टिव नहीं है, सो कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये है ना जैसे सवाल में दे रखी हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। अपन लोग एक काम करते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं, अपन लोग बार के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। ये हमारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये कॉन्स्टेंट है, इसे हम इंपीरियल कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, ये हमारा इंपीरियल कॉन्स्टेंट। फिर ना एक छोटा सा सवाल कीजिए, फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस AL 27, इस न्यूक्लियस का रेडियस बताइए कितना होगा। वेरी सिंपल, वी नो दैट कि रेडियस इज ऑफ कोर्स आर नॉट इनटू ए की पावर 1/3, बेटा ए इज 27 की पावर 1/3,
दैट कम्स आउट टू बी आर नॉट, बट 27 की पावर 1/3 इज ऑफ कोर्स 3, 27 का क्यूब रूट तो 3 आएगा ना, तो आप कह सकते हो कि दैट इज 3 टाइम्स आर नॉट, आर नॉट इज ऑलरेडी 1.2 फर्मी, तो आप कह सकते हो कि रेडियस विल बी बेटा कितना है 3.6। तुम्हारा जो एल्यूमिनियम है उसका रेडियस 3.6 फर्मी आया है, ठीक है, याद नहीं करना सवाल है बेटा, ठीक। आगे चलिए, ये बात हुई न्यूक्लियस के रेडियस की या न्यूक्लियस के साइज की, न्यूक्लियस की डेंसिटी की भी एक हल्की सी बात तो कर ही लेते हैं, काम आ सकती बेटा। हेडिंग लिखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक रफ सी कैलकुलेशन है, सुनिएगा। हमारे पास बड़ा ये न्यूक्लियस है और रेडियस इसके पास है आर, ठीक। लेट्स से न्यूक्लियस इज समथिंग लाइक दिस जेड ए, मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी विल बी ऑफ कोर्स इस न्यूक्लियस का मास डिवाइड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास वैसे तो बेटा हमें सवाल के अंदर दे रखा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे रखा तो मैं अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेटली नहीं अप्रोक्सीमेटली मैं न्यूक्लियस का मास ऐसे कह सकता हूँ कि इसके पास Z तो प्रोटॉन है, तो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इसके पास न्यूट्रॉन है, तो A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई रेडियस की पावर 3। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगेन मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि लगभग सेम से ही है, तो आप z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन को कैंसिल कर सकते हो, मेरे पास बड़ा इस 3 को पड़ जाना, ठीक है, मेरे पास आ गया 4 पाई रेडियस की पावर 3। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस होगा आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, ये तो रेडियस हो गया, इसकी पावर 3, मेरे पास आ गया 3 ए, मास ऑफ न्यूट्रॉन 4 पाई आर नॉट की पावर 3 बढ़ाइए, ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। इस बात का हमने ये अर्थ निकाला कि इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि डेंसिटी हमारी ए पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम आनी चाहिए, आने भी चाहिए बेटा, हम शुरुआत में यही मानकर तो रेडियस निकाल के बैठे थे, ठीक है। आप कह सकते हो कि रफली 3 इंच बड़ा मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10^-27 डिवाइड बाई 4 पाई, पाई इज 3.14 इंटू आर नॉट, 1.2 फर्मी था ना, तो 1.2 इंटू 10^-15 की पावर 3, 3 इंटू 1.67 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 की पावर 3, 10^-15 की पावर 3 ऊपर गया तो 10^45 ऊपर आ गया, 45 आ गया ना ऊपर, 45 माइनस 27 कितना हुआ, 13 हुआ क्या, 18 हुआ बड़ा, 45 ऊपर गया। अब इसकी वैल्यू बड़ा कितनी आती है चेक कर लेते हैं, थ्री इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 0.23 इंटू 10^18, बेटा सारी चीजें एस आई यूनिट में थी, तो डेंसिटी बेटा आपकी इस तरह से आ गई,
तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो रफली 2.3 इंटू 10^17 केजी पर मीट्रिक क्यूब है, एक्सट्रीमली डेंस, भयंकर डेंस है। 10^17 जो है वो तो भयंकर डेंस है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा डेंस है, होना भी चाहिए। एटम उतना डेंस नहीं था, क्योंकि एटम जो था ना उसमें तो तुम समझिए ना बेटा, उसमें तो बहुत सारी जगह खाली थी, उसमें ना बहुत जगह खाली थी, तो इसलिए काम चल गया हमारा। तो आप डेंसिटी मान सकते हो कि न्यूक्लियस की बहुत बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज। न्यूक्लियस कितना ज्यादा डेंस, अच्छा ये डेंसिटी बड़ा कौन से न्यूक्लियस की आई है, सबकी आई है, सबकी डेंसिटी मोर और लेस इतनी है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। न्यूक्लियस कितना डेंस है इस बात को तुम लोग इमेजिन कर पाओ, इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूं। सवाल लिखिए बेटा, इफ अर्थ इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लियाई, अगर अर्थ सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियाई, बहुत ही टाइटली पैक्ड न्यूक्लियाई से अगर बनी हुई हो, एटम्स जो इलेक्ट्रॉन से बता दो सिर्फ न्यूक्लियाई से बनी हुई हो, इफ अर्थ इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लियाई, व्हाट शुड बी इट्स रेडियस। तो अर्थ की रेडियस क्या होनी चाहिए बेटा, इसके लिए आपको अर्थ का मास पता होना चाहिए। रफली बेटा अर्थ का मास 6 × 10^24 kg। ठीक है, सिंपल बेटा, 8वीं 9वीं 10वीं टाइप का सवाल लग, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास वाला सवाल लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर अगर अर्थ का रेडियस अगर मैं आर मान लूं और अर्थ की डेंसिटी वही माननी पड़ेगी जो न्यूक्लियस की है, तो मुझसे पूछा है कि कितनी रेडियस होनी चाहिए, हम बोल देंगे कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। बड़ा बोला डेंसिटी कितनी थी, 2.3 × 10^17 वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3π रेडियस की पावर 3, मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 × 10^24। बड़ा देखना क्या आंसर आया, ये आ गया 6.2 × 10^6 रेडियस आ जाएगी 6.2 × 1/3 इंटू बड़ा 10^6 की पावर 1/3 तो 100, 6.2 × 1/3 1.83। तो रफली आप कह सकते हो कि अर्थ का जो रेडियस है वो 183 मीटर तो बहुत ज़्यादा रेडियस तो नहीं, एक्चुअल अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर होता है। एक्चुअल रेडियस जो है ना अर्थ का वो तो बेटा 6400 किलोमीटर। अगर अर्थ एटम्स से ना बनी होती और सिर्फ न्यूक्लियस से अगर बनी होती तो उतने ही मास को पजेस करने के लिए सिर्फ इतना सा अगर रेडियस होता तब भी चल जाता बड़ा, तब भी चल जाता। ठीक, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए था कि रेडियस जो है वो कितना छोटा है और कितना ज्यादा मास लेकर बैठा है और इस कारण से हमारा जो न्यूक्लियस है वो कितना ज्यादा डेंस है।
बेटा कितना ज्यादा डेंस। हेडिंग लिखिए बेटा, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट इज एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई। हो सकता है बेटा किसी न्यूक्लियाई के अंदर दो या दो से ज्यादा आइसोटॉप्स हों, और अगर दो या दो से ज्यादा आइसोटॉप्स हों तो जो नेट मास एवरेज मास आता है वो वैसे निकालें जैसे एवरेज निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, वैसे छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों इस तरह से बटे हुए हैं कि मिक्सचर के अंदर 80% तो ये है और 20% ये है, 20% ये है। तो मुझसे ये पूछा गया है कि बताओ कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है, एक काम करते हैं हम 100 मोल मान लेते हैं, टोटल 100 मोल मान लेते हैं। उन 100 मोल्स में से ऑफ कोर्स 80 मोल जो होंगे वो तो क्लोरीन 35 के होंगे, और जो 20 मोल्स होंगे वो ऑफ कोर्स क्लोरीन 37 के होंगे। अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया है तो मैं ऊपर तो पूरा मास लिख दूंगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दूंगा। ऊपर टोटल मास, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास कैसे लिखोगे? तो आप बोलते टोटल मास लिखूंगा इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मास, फिर इसका मास लिखूंगा कैसे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोर्स n1 प्लस n। तो आप कह सकते हो कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 80, इसका ऑफ कोर्स एटॉमिक मास बेटा आपका 35, प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 20, इसका बेटा 37 डिवाइड बाय 100, ये आपका एवरेज आ जाएगा। हालांकि इस तरह के सवाल आपने केमिस्ट्री वगैरह में कर भी रखे होंगे और मैं ना पढ़ाता तब भी बेटा ये वाला सवाल तुम कर ही लेते, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि इस तरह का सवाल अपनी शीट में है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ठीक है मैंने भी देख रखा है। ले बेटा ये आ गया 35.4 AMU, तो ये आपका एक तरह से एवरेज आ चुका। तो जब भी किसी फ्रैक्शन के अंदर या बेटा परसेंटेज के अंदर ये दे रखा हो कि ये दो आइसोटॉप्स अगर मिक्स्ड हैं और हमसे एवरेज मोलर मास पूछ ले तो हम बड़े आराम से इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास वगैरह पूछ ले तो इस तरह से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तुम भी निकाल ही सकते थे लेकिन ठीक है मैंने भी निकाल दिया। ठीक आगे चलते, चलिए बेटा नेक्स्ट इज एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, और नेचर में ऐसी कुछ इक्वेशंस हैं, नेचर में ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस के अंदर मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता भी है। हम आज तक की अपनी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते आए थे उसमें हम ये मानते आए थे कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और ये भी पढ़ते आए थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन जैसे हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया हम हल्का सा इस बात को मॉडिफाई करेंगे, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास गायब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी गायब होकर मास में कन्वर्ट हो सकता है।
और नेचर में मैंने जैसा कहा कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस के अंदर मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है. सो एनर्जी मास इक्विवेलेंस सेज दैट कि एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी. You know the famous equation, I cannot prove it, but the equation is E is equals to mc square. अगर m mass गायब होता है तो जो energy liberate होगी वो इस formula से आएगी E is equals to mc square. C is of course velocity of light in vacuum. M is mass. E is of course energy. एम मास के गायब होने से कितनी एनर्जी है बड़ा हुआ कि ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से. एंड सी इज ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट. फेयर इनफ. जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं. फाइंड energy corresponding to 1 amu mass. corresponding to 1 amu mass मतलब कि एक एटॉमिक मास यूनिट अगर गायब हो जाए तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी. मेरा सवाल आपसे ये है. तो बहुत ही आसान सा बड़ा सवाल है. वी नो दैट कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. मास बेटा एटॉमिक में दे रखा है केजी में लिखे 1.66 इंटू 10^-27 इंटू 3 इंटू 10^8 का स्क्वायर. ये तो केजी, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज जूल्स. That comes out of 1.66 into 9 into. But देखना कितना है. 10^16 27 minus 16 is 11 क्या? इतने इंच. I want to convert it into electro volt. But मैं इसको electro volt में जानना चाहता हूँ कितना आएगा. तो आप उसे electro volt में हमें हल्का फुल्का convert करना आता ही है. इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10^-19. जी बेटा रफली 9.31 इंटू 10^6 इलेक्ट्रो वोल्ट आ गया. और आप ऐसा याद कर सकते हो कि एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर आप पूरा का पूरा गायब करते हो तो जो एनर्जी लिबरेट होगी बेटा दैट विल बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट. मेगा स्टैंड्स फॉर बेटा 10^6. एक बड़ा फाइव और आता है 10^6 बेटा क्या लिखते हैं मेगा. तो एक एमयू को अगर आप गायब करते हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट की एनर्जी लिबरेट होती है. ये जो वैल्यू है ये अक्सर सवालों में आपको गिवन होगी. एचसीवी चाहे अपनी शीट बेटा उसमें थोड़ा सा और या इवन जेई मेन उसके अंदर थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी होती है. 1 amu इज 930 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट. तो जो भी सवाल के अंदर दे रखी हो ना आप तो वो यूज क्या करो. जो भी सवाल में दे रखी हो आप तो वो यूज क्या करो. वैसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट है. लेकिन चाहे अपनी शीट हो चाहे एचसीवी हो चाहे जेई मेन के एडवांस के सवालों हर जगह ही मोस्टली सवालों के अंदर 1 एएमयू अगर गायब करते हैं तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी होती है. और वैल्यू लगभग लगभग 930 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट ही दे रखी होती है. उससे कैलकुलेशन हल्की सी आसान पड़ जाती है. हम लोग बिना क्लास के अंदर जितने सवाल करेंगे वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है अपन तो बेटा वैसे भी कैलकुलेटर से कर रहे हैं इसलिए अपन को क्या होना पड़ता है.
एग्जाम में आप वही लेना जो सवाल के अंदर दे रखा हो। एक सवाल बड़ा, एक सवाल और, फाइंड एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मगर आंसर आप जूल में नहीं, इलेक्ट्रोवोल्ट बताना, इन इलेक्ट्रोवोल्ट बता देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अगर वो सारा का सारा मास अगर गायब हो जाए तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, हमसे ये पूछा है। एक इलेक्ट्रॉन के मास के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से हमसे ये पूछा है, बता देंगे। हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये बात तो तय है कि इससे काफी छोटी आएगी, ये जो वैल्यू दे रखी है इससे बहुत छोटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक एटॉमिक मास यूनिट डिवाइड बाय बेटा लगभग लगभग 1800 टाइम्स होता है, तो इसका लगभग लगभग 1/1800 के आसपास सा आंसर आएगा। देख लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। 9.1 × 9 × 10⁻³ बड़ा −31 ये 16 ये है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ कोर्स योर जूल, ये बड़ा हमारी एनर्जी है। लेकिन हमसे पूछिए बेटा किस में है, इलेक्ट्रोवोल्ट में, इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछिए तो आप कह सकते हो कि एनर्जी विल बी 9.1 × 9 × 10⁻¹⁵ डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, दैट कम्स आउट टू बी 9.1 × 9 / 1.6 × 10⁴ इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बेटा, इस बार तो कैलकुलेशन आसान सी है, फिर भी मैं तो कैलकुलेटर से कहूँगा कितनी बेटा, 9.1 × 9 डिवाइडेड बाई 1.6। या 5.11 × 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। 10⁻³ इज ऑल्सो नोन एज किलो, तो आप कह सकते हो 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। मेगा में लिखना चाहो तो 30 उधर ले आओ, तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बड़ा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज 10⁻⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट इज ऑफकोर्स 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आंसर आ गया। इसको अगर तुम 1800 से अगर डिवाइड करोगे तो रफली आपकी यही वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक, आनी थी बेटा मास, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट बाई 1800 है तो एनर्जी भी जितनी बड़ा वहां थी उसकी वर्थ बाई 1800 तो होनी चाहिए। ठीक है, आसान सा काम था, कोई बहुत टफ टास्क इसमें नहीं थी। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसके पीछे मेन कारण जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। सुनिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस इज 2H4, दो प्रोटॉन होंगे और दो ही न्यूट्रॉन होंगे। इस छोटे से स्पेस के अंदर, थोड़ा बड़ा बना दो, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं है, सिर्फ हमने हमारे कंफर्ट के हिसाब से बना दिया, दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे, एंड ऑफ कोर्स साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अभी जो प्रोटॉन्स हैं ये एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा ऐसे बाहर की तरफ किसी न किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। एंड वी नो दैट कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सब्सटेंशियली हाई है। द रीजन इज
कि ये सेपरेशन जो है ये फर्मी के ऑर्डर में है, और इतने छोटे से सेपरेशन पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अच्छा खासा आएगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलना चाहेगा एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियस को तोड़ना चाहेगा, बट वी नो दैट कि न्यूक्लियस टूटता तो है नहीं, तो जरूर इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। हमें उसका फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, हमें उसका फॉर्मूला ना भी पता हो तब भी चल जाएगा, हमें फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि इस प्रोटॉन को ये न्यूट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये न्यूट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज लेट्स से न्यूक्लियर फोर्स वन, दिस इज लेट्स से न्यूक्लियर फोर्स टू, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियर फोर्स थ्री। तो कुल मिलाकर इस प्रोटॉन पर नेट न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स वेक्टर समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस। और ये जो नेट न्यूक्लियर फोर्स लगा है ये फोर्स ऑब्वियस बात है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा और हमारे इस पूरे के पूरे इस न्यूक्लियस को स्टेबल कर पाएगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को मैनेज करने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस आएंगे, और न्यूक्लियर फोर्सेस में खास बात दो है। पहली ये कि ये न्यूट्रल बॉडीज भी लगा सकती हैं, इनके लिए चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, मतलब हमारे कोर्स में जितना कुछ है उसके हिसाब से अगर देखें तो न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। तो दो खास बातें बेटा, न्यूक्लियर फोर्स doesn't depend on charge, और अगर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे पर न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी लगा सकता है और प्रोटॉन प्रोटॉन भी लगा सकता है। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। थर्ड, इट इज एट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स है ये हमारा एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, फेयर इनफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये है कि इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर डिस्टेंसेस कम होंगी तभी यह फोर्स लगेगा, जैसे ही डिस्टेंसेस बढ़ेंगी यह फोर्स बड़ा अचानक से ड्रास्टिकली घट जाएगा। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की हाई पावर है। जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है भले हमें उसका फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन आप कह सकते हो कि ये है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच के सेपरेशन की हाई पावर है। यहां पर पावर जो है ये 2 या 3 नहीं है, अच्छा खासा हाई पावर है। इससे क्या होगा कि जैसे आर दुगना तिगुना होगा वैसे आपका जो फोर्स है वो ड्रास्टिकली घट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज बढ़ाइए, शॉर्ट रेंज फोर्स है, नजदीक में होंगे तभी लगेंगे, और रफली मैं ऐसा कह दूं कि जब फर्मी के ऑर्डर में सेपरेशंस होंगे तभी लगेंगे, और अगर डिस्टेंसेस बढ़ेंगी तो फोर्स घटेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो डिस्टेंस डबल करने पर 1/4 होता है, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिस्टेंस डबल करने पर हो सकता है कि बड़ा 1/100 टाइम्स हो जाए या बड़ा 1/50 टाइम्स हो जाए, वो ज़्यादा रैपिडली घटता है। एंड लास्ट पॉइंट कि न्यूक्लियर फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। अगर न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो ऑफकोर्स हमारा न्यूक्लियस तो अनस्टेबल होता, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का देके न्यूक्लियस को तोड़ के भाग जाते। लिख सकते बेटा, न्यूक्लियर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर stability of nucleus, nucleus की stability जो है उसके हमारा nuclear force responsible है।
चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटा सा पॉइंट और, जो भी आपके हैवी न्यूक्लियस होंगे बेटा, जो भी आपके हैवी न्यूक्लियस होंगे, बड़े न्यूक्लियस होंगे, उनके अंदर, वैसे जो छोटे न्यूक्लियस हैं उनमें मैंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लगभग सेम से ही होते हैं, लेकिन जो आपके हैवियर न्यूक्लियस होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा रहती है। क्या कारण है, हल्का सा डिस्कस करते हैं। हैवियर न्यूक्लियाई हैव मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की संख्या के मुकाबले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, और लाइटर न्यूक्लियर में मोर और लेस सेम से ही होते हैं। क्या कारण हो सकता है, सुनना बेटा। अगर न्यूक्लियस हैवी है तो हम जानते हैं कि उसका रेडियस भी लार्ज है, तो न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है। लेट्स बेटा ऐसा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस बेटा बड़ा है और ये आपके पास कोई ना कोई प्रोटॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, बाकी बेटा आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब है। न्यूक्लियस अगर बड़ा है तो किसी भी दो न्यूक्लियोन के बीच जो सेपरेशन है वो इन जनरल ज्यादा है। सेपरेशन अगर इन जनरल ज्यादा है तो आपके जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे वो तो घट जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो उतना नहीं घटेगा। सर कैसे नहीं घटेगा, अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच सेपरेशन भी तो बढ़ गया है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच अगर सेपरेशन बढ़ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो कम होना चाहिए। माना न्यूक्लियस अगर बड़ा होगा तो इन जनरल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेपरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, और हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 2 से बहुत ज्यादा है। और इस कारण से क्या होगा कि जैसे ही न्यूक्लियस बड़े होंगे वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होंगे वो उतने कम नहीं होंगे, लेकिन आपके न्यूक्लियर फोर्सेस तो बहुत कम हो जाएंगे। और न्यूक्लियस अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाए। इस कारण से इन न्यूक्लियर फोर्सेस का जो वेक्टर समेशन आएगा वो हो सकता है कि आपके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस ना कर पाए, और अगर नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो सर न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए क्या करूं, बड़ा न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। सर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने से फायदा क्या है, बड़ा फायदा यह है कि जो न्यूट्रॉन होंगे वो इस प्रोटॉन पर रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगाएंगे नहीं, लेकिन अंदर की तरफ न्यूक्लियर फोर्स जरूर बढ़ा देंगे, और जो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा वो ऑफकोर्स इस पूरे पूरे हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। समझ रहे इस बात को, अगर मैंने यहां पर एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगा दिए होते तो वो न्यूक्लियर फोर्स भी लगाते और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाते, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कोर्स ज्यादा आता तो उसके कारण हमारा जो न्यूक्लियस वो अगेंस्ट अनस्टेबल रहता। स्टेबल करने के लिए मैंने जानबूझ के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा रखे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने से मुझे फायदा यह है कि न्यूट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे पर न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन पर रिपल्शन तो लगाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो जो भी आपके हैवियर न्यूक्लियाई होंगे, जो भी बेटा आपके हैवियर न्यूक्लियाई होंगे उनके अंदर आप नोटिस करना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कम होगी। एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि अगर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर बराबर होते तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता और एट्रैक्टिव फोर्स कम होता, टूट जाता। न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स आएगा, वो हमारे इस सिस्टम को ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। लेकिन अगर हमारा न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा हुआ तो ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, और न्यूक्लियस अगर बहुत ज्यादा हैवी हुआ और अनस्टेबल हुआ तो कभी ना कभी वो टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर आना चाहेगा।
हमारा अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ, मान लो कि बेटा न्यूट्रॉन्स की संख्या इतनी नहीं है कि वो उस न्यूक्लियस को स्टेबल कर पाए, तो क्या होगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। न्यूक्लियस टूटकर छोटी साइज का बन जाएगा। सर छोटी साइज का बनते स्टेबल हो जाएगा? हाँ बेटा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे साइज छोटी हो गई वैसे ही अब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच सेपरेशन कम है, और सेपरेशन कम है तो न्यूक्लियर फोर्स अच्छा खासा है, न्यूक्लियर फोर्स अच्छा खासा है तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। तो हैवियर न्यूक्लियाई अगर मान लो कभी स्टेबल नहीं है और वो टूट गया, तो टूट कर इट विल डिसइंटीग्रेट इंटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई, और एंड दिस स्पॉन्टेनियस अपने आप लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर रेडियो एक्टिविटी, इट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो वैसे तो हमारे जो हैवियर न्यूक्लियाई होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मान लो फिर भी कोई हैवियर न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं हो पाया तो वो क्या बनना चाहेगा, वो टूट कर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस अगर एक बार छोटा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्सेस वापस से प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे और वो हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल कर लेंगे। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हो कि इफ हैवी लार्ज न्यूक्लियस is unstable, then it will disintegrate into smaller nuclei and hence gets stable. This process is known as क्या बेटा, रेडियो एक्टिविटी। यही हमारा रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, लिख लो बच्चों, समझ गए।